आज हम बना रहे हैं हींग का अचार। हींग का अचार जो कि उत्तर भारत में ही ज़्यादा बनाया जाता है, और ये बिना तेल का, बिना मसाले का बहुत अच्छा अचार बनता है। इसको आप पूरी, पराठे, सब्जी साथ ही खा सकते हो, और बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसमें तेल वेल कुछ नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा बनता है। तो ये करीब मैंने लिए आधा किलो, ये कटा हुआ आम है, जो कच्चा आम, ये आधा किलो है। ये इसमें हमें गुठली नहीं डालनी है, और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस हमें इस तरह से इसके कर लेने हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। और इसको करने के बाद में हमें इसमें 2 चम्मच नमक डालना है, 2 चम्मच नमक डाल के बस हमको इसको हिला के ऐसे बस इसको हमें 2 या 3 घंटे के लिए रख देना है, और फिर ये पानी छोड़ देगा। फिर मैं आपको बताती हूँ, आप 2-3 घंटे बाद दिखाऊंगी कि क्या होता है। फ्रेंड्स, करीब 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 3 घंटे हो गए हैं इसको, और देखिए इस तरह से ये इसका सब पानी सारा बाहर आ गया है निकल के, जो भी मैंने नमक लगाया था उसकी वजह से इसका सब ये इसने पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस बर्तन में इसका जो भी नमक का पानी है उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ऐसे करके। हमने सारा इसका ये पानी को अलग कर लिया है, और अब ये वाला जो है इसको हम करीब इसको 3 घंटे तक पंखे में सुखाएंगे। अगर धूप में सुखाएं, धूप में भी सुखा सकते हैं आप, और करीब 3 घंटे तक इसको हम पंखे में सुखाएंगे। और कितना सुखाना है ये मैं अभी जब सूख जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने ये सुखा लिया है 2 से 3 घंटे के करीब पंखे के नीचे, और इस जैसा यह है सूख के इस तरह से हो जाएगा ये। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बहुत खड़ंग नहीं करना है इसको। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत तेज नहीं होती खाने में, तीखी नहीं होती बहुत खाने में। और सॉल्ट हमने पहले भी डाला हुआ है इसमें, करीब 1 से 1.5 चम्मच सॉल्ट हम इसमें और डाल देंगे, क्योंकि इसका पानी हमने जो था वो निकाल दिया था। और इसमें अब डालेंगे हम हींग, क्योंकि हींग का अचार है तो हींग तो डलेगी ही इसमें। तो मैंने करीब इसमें ये जो हींग का, ये जो आम का पानी था उसको मैंने सब फेंक दिया था, उसमें बस ये 2 स्पून मैंने वाटर बचा लिया था, उसी में मैंने इसमें हींग को घोल लिया है, क्योंकि अगर हम इसमें साबुत डेली डालेंगे तो वो हमारे मुंह में आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने करीब ये वाला स्पून भर के मैंने इसमें हींग को घोल लिया है, और अब मैं इसको इसको पूरे में स्प्रेड कर दूँगी। हींग जो ली है मैंने, वो मैंने हींग ली है, ये गोपाल ब्रांड की हींग आती है, गोपाल हींग आती है, हींग बहुत अच्छी होती है। ये मैं हमेशा इसी हींग का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, बट मैं इस हींग का यूज़ करती हूँ, मैंने यही वाली हींग इसमें डाली है। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ इसको। देखिए मेरे को इसमें शायद थोड़ा सा मिर्च और डालना है, मिर्च मेरे को कम लग रही है इसमें, मैं भी इसमें थोड़ी मिर्च और डालती हूँ, मैं भी इसमें थोड़ी सी मिर्च और डालूंगी। करीब इसमें 1/2 स्पून मिर्च और इसमें डाल दूंगी मैं अभी इसमें। ये देखिए एकदम बढ़िया अचार तैयार हो गया, या आप सालों साल रख के इसको खा सकते हैं। और यूपी की ये बेस्ट अचार है, यूपी में बहुत खाया जाता है ये। पूरी, पराठे, आपको जर्नी में ले जाना हो, ना कोई तेल का झंझट है, ना मसाले का झंझट है, बड़े आराम से, बड़े इजीली डल जाता है। और अब इसको जार में आप भर के रख लीजिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैं किसी जार में ट्रांसफ़र करती हूँ इसको। इसको इस तरह बस जार में भर लूँगी, और भर के आप रख लीजिए, ना दूध दिखाने का झंझट, ना तेल फैलने का झंझट, ना बहुत मसाले का झंझट, बड़ा इजीली, बड़ा अच्छा, जल्दी बनने वाला अचार है, और ख़राब भी नहीं होता है, और बिल्कुल जैसे ये इसकी फांके जिस तरह से हैं वो वैसे ही रखी रहेंगी, बिल्कुल भी वो नहीं होंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा अचार डालने के बाद, और आपको पसंद कैसे आया, क्या अच्छा लगा इसमें, जो कि मैं आपको फिर आपको दोबारा से आपको अपना नया नया वीडियो डालती रहूँ आपके लिए।